engineering topic is to discuss some important previous questions of mechanics. That is engineering mechanics. So engineering mechanics are important previous or important question which is discussion करिए. तो हमर कौन-कौन सब content है रोज़ ना. First होती है तो discussion जो हमें अभी करिए introduction वाला. Next होती है important terms discussion करिए. Next law of motion. Next computer. इतनी बात. तो first होती है कौन ना. तो हमर मैकेनिक्स रे प्रीवियस ईयर रे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को को चैप्टर आसीबो ना मेन इंपोर्टेंट मींस मेन जे लॉन्ग क्वेश्चन को को चैप्टर आसीबो गोटा आसीबो कौन प्रॉब्लम्स ऑन रिजल्टेंट ऑफ ए बॉडी सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेस और प्रॉब्लम्स ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स बॉडी. नेक्स्ट होची प्रॉब्लम्स ऑन रिजल्टेंट ऑफ ए बॉडी सब्जेक्टेड टू मोर देन थ्री टू फोर्सेस. मोर देन टू फोर्सेस मींस तीनटा चारटा पांचटा जहा भी करे तार गोटे रिजल्टेंट बेस्ड 10 मार्क्स क्वेश्चन आसीबो गोटे 10 मार्क्स क्वेश्चन आसीबो रिजल्टेंट दुटा फोर्स बॉडी रिजल्टेंट रहा आसो देन रिजल्टेंट टू फोर्स बॉडी देन कमिशन रिजल्टेंट ऑफ ए बॉडी सब्जेक्ट मोर देन टू फोर्सेस. नेक्स्ट कौन आसो मोमेंट कैलकुलेशन 5 मार्क्स क्वेश्चन आस. नेक्स्ट रहा लामिस थ्योरम. ए लामिस थ्योरम तुम्हें मेनली 5 मार्क्स गोटे पाइपर कि 10 मार्क्स पाइप लामिस थ्योरम. नेक्स्ट सेंटर ऑफ ग्राविटी 5 मार्क्स आसे बराबर 10 मार्क्स आसे देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8 गोटे 10 मार्क्स कंपलसरी देन फ्रिक्शन दुटा 10 मार्क्स आसो कि फ्रिक्शन 5 मार्क्स लैडर फ्रिक्शन 10 मार्क्स. देन सिंपल एंड कंपाउंड गियर ट्रेन एक्चुअली एक्चुअल लिफ्टिंग मेसीन नुह गियर ट्रेन सिंपल एंड कंपाउंड गियर ट्रेन गोटे 5 मार्क्स आसो. देन हूँ लिफ्टिंग मेसीन छोट छोट प्रोब्लेम 5 मार्क्स और लॉ ऑफ मेसीन 10 मार्क्स. नेक्स्ट डायनामिक्स इतनी आसो तो यहाँ मन रखे सब हूँ गियर ट्रेन सिंपल एंड कंपाउंड गियर ट्रेन तो ये रहा. नेक्स्ट हूँ कौन तुम लिफ्टिंग मेसीन लॉ ऑफ मेसीन. तो आज आम डिस्कसन कर चैप्टर रू लिफ्टिंग मेसीन चैप्टर एंड लॉ ऑफ मेसीन चैप्टर रू 10 मार्क्स गोटे कंपलसरी आसूसी आ बहुत सल मान सहज क्वेश्चन अच्छे टी मन देखो तो ये क्वेश्चन विषय ही डिस्कसन करा. तो कौन कौन आस क्वेश्चन सब आस लिफ्टिंग मेसीन एंड लॉ ऑफ मेसीन. तो आर क्वेश्चन आसूस प्रिवियस इयर देखि तो 2019 गोटे आ 2017 2018 नेक्स्ट इतनी आस इयर सब आस दे यहाँ पढ़ा 2019 में पढ़ा ये क्वेश्चन आस सबको. तो ताप जाना प्रथम हूँ व्हाट डू मीन बाय लिफ्टिंग मशीन. तो लिफ्टिंग मशीन कहले आम क्या कौच ना लिफ्ट करने लोड को लिफ्ट करने जो मशीन टाइम यूज कराँ कौ लिफ्टिंग मशीन. तो लोड को ऊपर को लिफ्ट करने लोड को ऊपर को लिफ्ट करने आम आग काल कूर जो पुली यूज होता तो पुली द्वारा आम कौन करूँ ना कूर आर पटे बाल्टी लगुता एपटे आम टाणुले तो यहाँ आसाला तो सीटा हूँ वन टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग मशीन. देन आउ कौन लिफ्टिंग मशीन ना रिसेंटली घर या जो आम पुली लगुच जिनस गुड़ाक ऊपर को उठाई मैंने छात को उठाई तो सहीटा भी वन टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग मशीन. आज लिफ्ट आम यूज करे सी भी लिफ्टिंग मशीन. तो लिफ्टिंग मशीन मेनली काम कौन ना मैंने जो पुली यूज करते कि जो कूर पा काला बेल जो पकाचे दौड़ी पकई कि जो पुली लगे टाणुचे तर काम कौन ना कम इफोर्ट्रे बेस लोड उठे पारे. इफोर्ट कहे कौन ना आम जो कूर पाँच करते जो टाँच जी फोर्स है इफोर्ट जी फोर्स आम टाणुचे से इफोर्ट लोड है कि ना पा बाल्टी. तो पा बाल्टी आम से कम करना पुली लगे मैं सुविधा कौन हो आम कम इफोर्ट मैंने कम फोर्स पाँच बाल्टीटा ऊपर को उठे पार्चे कम फोर्स देखिए पाँच बाल्टीटा ऊपर को उठे मैंने कम इफोर्ट्रे बेस लोड उठे पार्टी. इफोर्ट कहे आम जो जिनसा दौचे से इफोर्ट जो जिनसा ऊपर को उठे से लोड. तो आम लिफ्टिंग मशीन काम कौन ना कम इफोर्ट्रे बे लोड उठे पारे सेटा है लिफ्टिंग मशीन. तो लिफ्टिंग मशीन माने कौन तो मशीन व्हिच लिफ्ट्स हेवी लोड बाय अप्लाइंग स्मॉल इफोर्ट. देखो तो मशीन व्हिच इज यूज्ड टू लिफ्ट हेवी लोड्स बाय अप्लाइंग स्मॉल इफोर्ट इज नोन एज लिफ्टिंग मशीन. माने हेवी लोड लिफ्ट कर पाए बाय अप्लाइंग स्मॉल इफोर्ट कम इफोर्ट रे बेसी लोड लिफ्ट कर पाए. देन हमरो एटी जो लोड टा ऊपर को लिफ्ट होती सेटा को हम नोचे स्मॉल डब्ल्यू आ जो फोर्स हम अप्लाई करे द्वारा सेटा लिफ्ट होती सेटा को हम नोचे करना पी इफोर्ट. देखो स्मॉल डब्ल्यू कहले लोड लिफ्टेड और पी कहले कौन ना हमारा इफोर्ट अप्लाइड रहा. देन डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड. आम जो मन रख इमेजिन करो कूर जो आम पा काटे तो आम कौन करे ना दौड़ी एमती टाणुचे तो जितने दौड़ी आम टाणुचे से दौड़ कड़े जाऊँगी तौक जाऊँगी मैंने दौड़ी आम जो टाणुचे फोर्स पहला इफोर्ट से इफोर्ट कड़े जाऊँगी तौक जाऊँगी तो पा बाल्टीटा कड़े उठी ऊपर को उठी से लोड ऊपर को उठिला. तो जितकी बाट आम आम जो टाणुचे दौड़ी किसी बाटे उठीगला तौक गला तो जितकी बाटे इफोर्ट तौक जाऊँगी सेटा को आम कहे कौन ना डिस्टेंस मूव बाय इफोर्ट और वाई नौ जितकी बाटे लोड ऊपर जाऊँगी नौ आम डिस्टेंस मूव बाय लोड और एक्स नौ तो डिस्टेंस मूव बाय इफोर्ट को नौ आम वाई डिस्टेंस मूव बाय लोड को नौ कौन ना एक्स तो वाई कहे डिस्टेंस मूव बाय इफोर्ट
एक्स कहे डिस्टेंस मूव बाय लोड ये रहा तो ये हूँ मेन टर्म्स तेरे डब्ल्यू कहे आम कौन जो लोडटा उपर उठी से डब्ल्यू आ जो इफोर्ट द्वारा मैं जो फोर्स द्वारा से उठी से आम एप्लाइ करेंगे इफोर्ट आर पी ये देन हूँ गोटे जिस मेकानिकल आडभांटेज मेकानिकल आडभांटेज सर्ट फर्म रे एमए निया है एमए कहे कौन बुझे ना रेसीओ बिटवीन लोड लिफ्टेड एंड इफोर्ट अप्लाइड डब्ल्यू बाय पी ये देख मेकानिकल आडभांटेज एमए फर्मुला कौन डब्ल्यू बाय इट इज द रेसीओ बिटवीन लोड लिफ्टेड एंड इफोर्ट अप्लाइड बाय एमएसी ये रहा मेकानिकल आडभांटेज देन हूँ अनदर जिस किए ना वेलोसिटी रेसीओ वेलोसिटी रेसीओ कौन ना रेसीओ गोटे क्या क्या भेजे रेसीओ ना डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड देखो ये हमारे इफोर्ट जितनी बड़ा जाऊँ बाय लोड जितनी बड़ा जाए डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट का सिंबल करना होता है वाई डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड को सिंबल करना होता है एक्स तब वेलोसिटी रेसीओ को देखो ना डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड मींस वाई बाय एक्स एटा हम बोलते हैं वेलोसिटी रेसीओ डिस्टेंस मूव्ड बाय वेलोसिटी रेसीओ इट इज द रेसीओ बिटवीन डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड वेलोसिटी रेसीओ वी आर इक्वल डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड आउ जिन हूँ देख एम एटा डब्ल्यू बै पी डब्ल्यू रूनिट न्यूटन पी रूनिट न्यूटन तो एम ए यूनिट लेस आस एंड वी आर भी यूनिट लेस आस ओपर डिस्टेंस तर डिस्टेंस तेनाली आउटपुट बै मिसिंग आउटपुट कहे कौन पाँच आम इनपुट्रे दौचे आम इफोर्ट दौचे आउटपुट्रे कौन पाँच ना लोड पाँच इनपुट्रे इफोर्ट दौचे आउटपुट्रे लोड पड़े तो आउटपुट कहे कौन ना लोड द्वारा जितक आटम से आउटपुट इफोर्ट द्वारा जितक आटम से इनपुट तो आउटपुट कहे कौन ना लोड द्वारा जितक आटम वाटन फर्मुला में कौन जानते फोर्स इंटु डिस्प्लेसमेंट वाटन फर्मुला फोर्स इंटु डिस्प्लेसमेंट तेल आउटपुट कहे कौन ना वाटन बाय लोड तेल फोर्स किए पड़ा ना लोड डिस्प्लेसमेंट कहे लोड और डिस्प्लेसमेंट को आम नौचे एक्स डिस्टेंस को एक्स नौ आउटपुट कहे वाटन बाय लोड और सीटा कौन देखो कौन आसना आउटपुट कहे कौन ना इट इज द वाटन बाय लोड लोड वाटन हूँ फोर्स इंटु डिस्प्लेसमेंट मीन डब्ल्यू इंटु एक्स देखो आउटपुट कौन आसना डब्ल्यू इंटु एक्स रहा देन इनपुट कहे इफोर्ट द्वारा जितक वाटन तो इनपुट इट इज द वाटन बाय इफोर्ट तो इफोर्ट द्वारा वाटन फर्मुला कौन आसना पी इंटु वाई इटा इफोर्ट एटा तर डिस्टेंस ये देन हूँ एफिसीयस एफिसीयस फर्मुला एनी मेसीन रफिसीयस फर्मुला हूँ आउटपुट बै इनपुट एफिसीयस डेफिनेसन हूँ कौन ना इट इज द रेसीओ बिटवीन आउटपुट टू इनपुट अफ मेसीन ये रहा एफिसीयस रहा आउटपुट बै इनपुट तापर गोटे फाइव मार्क्स क्वेश्चन तुमको आसपे मे भी क्वेश्चन एक्जाम रिलेशन बिटवीन एम ए भी आर एफिसीयसी एम ए भी आर एफिसीयसी भितर रिलेसनशिप तो बाहर कर फाइव मार्क्स क्वेश्चन डीआर कर पचार आसा एफिसीयसी एफिसीयसीटा तो ये डिराइव करा कि आम जानते एफिसीयसीटा इक्वल टू कौन आउटपुट बै इनपुट आउटपुट जगह कौन पकड़े डब्ल्यू एक्स आउटपुट मोर बाहर डब्ल्यू एक्स इनपुट जगह कौन पकड़े पी वाई तापर डब्ल्यू बै पी लिखिदेली इंटु एक्स बै वाई पकड़े डब्ल्यू बै पी टू डब्ल्यू बै पी लिखिली एक्स बै वाई की मुझे उल्टे वन बै वाई बै एक्स उल्टे तो डब्ल्यू बै पी जगह पड़ेगा एम ए वाई बै एक्स जगह पड़ेगा भी आर वन बै की वन बै रहा भी आर तेल एम ए इंटु वन बै भी आर देखे एम ए बै भी आर तेल एफिसीयसी इक्वल टू कौन आसाना ना एम ए बै भी आर तो यही डेरिवेशन का फाइव मार्क्स क्वेश्चन बेले बेले पड़े एक्जाम डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन क्वेश्चन कौन आसाना डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन एम ए भी आर एंड एफिसीयसी तो एमती कर बुझेगा तो देन हूँ पकड़े आउटपुट इनपुट पकड़े डब्ल्यू एक्स पी वाई पड़े आसा नेक्स्ट हूँ आम जाना टाइप्स अफ मेसीन मन लिफ्टिंग मेसीन हूँ आम मेनली एफिसीयसी दृष्टि देखा गले दी प्रकार गोटे हूँ आईडियल मेसीन आउटे हूँ रियल मेसीन आईडियल मेसीन कहे कौन क्या दुई मेसीन तो एफिसीयसी दृष्टि देखा गले मेसीन हूँ लिफ्टिंग मेसीन दी प्रकार गोटा है आईडियल मेसीन आउटे रियल मेसीन आईडियल मेसीन कहे कौन क्या जो मेसीन एफिसीयसी 100% से कहे आईडियल मेसीन आ जहाँ 100% रो कम से कहे रियल मेसीन आउसी मेसीन आईडियाल नुह मोस्टली अल् मेसीन सर रियल मेसीन तेल 100% एफिसीयसी कहते आईडियाल मेसीन और 100% कम हो रियल मेसीन देन रियल मेसीन दुई प्रकार गोटे आस रिभर्सेबल मेसीन आनदर हूँ इरिभर्सेबल मेसीन रिभर्सेबल मीन्स तार रिभर्स डायरेक्शन में सेटा काम करले ताको रिभर्सेबल कहे इरिभर्सेबल मीन्स रिभर्स डायरेक्शन ही काम करना इरिभर्सेबल मेसीन अदर नेम हूँ सेल्फ लकिंग मेसीन तेल रियल मेसीन दुई प्रकार रिभर्सेबल आउट हूँ इरिभर्सेबल तो रिभर्सेबल कहे कौन रिभर्स डायरेक्शन काम करेंगे कहले आम कम बुझे ना आम लिफ्टिंग मेसीन काम हो लोडटा को ऊपर उठे तो बेले बेले कौन है ना आम जो इफोर्ट छाड़ी दे लोडटा उपरक न जाए कौन है ना तल को पड़ाए लोडटा उपरक जावा क्या उपरक न जाए तल को पड़ाए तो इमेजिन कर कूर जो पा काढ़ सपोज तुम दौड़ी हाथ काढ़ तो
ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ବାଲ୍ଟିଟା ବାଲ୍ଟିର ଲୋଡ଼ଟା ଉପରୁ ଯିବା ବଦଳରେ ତଳକୁ ପଳାଉଛି। ତ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ତଳକୁ ପଳାଉଛି ତ ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କେଉଁ ମେସିନ୍ ନା ରିଭର୍ସ ଓଭର୍ ମେସିନ୍, ମାନେ ରିଭର୍ସ ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଯାଉଛି। ଲୋଡ଼ର କାମ ହେଉଛି ଉପରକୁ ଯିବା କଥା, ବଟ୍ ସେ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ତଳକୁ ଯାଉଛି, ରିଭର୍ସ ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ରିଭର୍ସ ଓଭର୍ ମେସିନ୍। ତ କୂଅରେ ଯେତେ ପାଣି କାଢିଲା ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ପୁଲି। ତ ପୁଲି ଇଜ୍ ଏ ରିଭର୍ସ ଓଭର୍ ମେସିନ୍, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନପୁଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ ସେଇଟା ରିଭର୍ସ ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଯାଉଛି, ମାନେ ଅପୱାର୍ଡ ବଦଳରେ ଡାଉନ୍ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ସେଇଟା କହୁଛି ରିଭର୍ସ ଓଭର୍ ମେସିନ୍। ଦେନ୍ ଆମର ଇରିଭର୍ସ ଓଭର୍ ମେସିନ୍, ଇରିଭର୍ସ ଓଭର୍ ମେସିନ୍ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇନପୁଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ ତଥାପି ସେଇଟା ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ରହିଯାଉଛି, ଆଉ ତଳକୁ ଯାଉନି, ରିଭର୍ସ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯାଉନି। ମାନେ ଇମାଜିନ୍ଙ୍କର ସ୍କ୍ରୁ ଜ୍ୟାକ୍, ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ହେରିକାର ଟାୟାର୍ ଚେଞ୍ଜ କରାହୁଏ ସ୍କ୍ରୁ ଜ୍ୟାକ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରାହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍କ୍ରୁ ଜ୍ୟାକ୍ରେ ମାନେ ଆମେ ଇପଟରେ କ'ଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍କୁ ବୁଲାଉଛେ ସେଇଟା ବୁଲୁଛି ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍କୁ ନ ବୁଲେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା ଜଷ୍ଟ, ତ ସେଇଟା ଯେଉଁଥିବ ସେଇଠି ରହିବ, ତଳକୁ ଯିବନି। ତ ସେଇଟା ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଇରିଭର୍ସିବୁଲ୍, ଅଦର୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫ ଲୁକିଂ ମେସିନ୍। ତ ରିଭର୍ସିବୁଲ୍ ମେସିନ୍ ପାଇଁ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ନା, ଏଫିସିଏନ୍ସି ଯଦି 50%ରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି ସେଇଟା ରିଭର୍ସିବୁଲ୍ ହେବ, ଯଦି 50%ରୁ କମ୍ ହେଲା ସେଇଟା ଇରିଭର୍ସିବୁଲ୍ ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଲୁକିଂ ହେବ। ତ ବେଳେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ଆସିଥିବା ରିଭର୍ସିବୁଲ୍ ଇରିଭର୍ସିବୁଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଫରେନ୍ସ ହିଁ ମାଗିପାରେ, ଯାହା ବି ହେଉ ତ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ରିଭର୍ସିବୁଲ୍ ମେସିନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ତ ମେସିନ୍ ହୁଇଚ୍ ୱାର୍କ ଇନ୍ ରିଭର୍ସ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଦ ରିମୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଇପୋର୍ଟ। ଇପୋର୍ଟ ରିମୁଭ୍ କଲା ପରେ ଯଦି ରିଭର୍ସ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ କାମ କରୁଛି ତାହେଲେ କହୁଛି ରିଭର୍ସିବୁଲ୍ ମେସିନ୍, ଯଦି ରିଭର୍ସ ଡିରେକ୍ସନ୍ ନ କାମ କରୁଛି ସେଇଟା କହୁଛେ ଇରିଭର୍ସିବୁଲ୍। ତ ମେସିନ୍ ହେଉଛି ଡଜ୍ ନଟ୍ ୱାର୍କ ଇନ୍ ରିଭର୍ସ ଡିରେକ୍ସନ୍, ଆଉ ଆର୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ 50%, ଆର୍ ହେଉଛି ଏଫିସିଏନ୍ସି ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 50%। ଏଇଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ପୁରୀ, ଏଇଟା ହେଲା ସ୍କ୍ରୁ ଜ୍ୟାକ୍, ଏତିକି ରହିଲା। ତ ଏଇ ରହିଲା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ମେସିନ୍, ଏତିକି ରହିଲା ସବୁ ରିଭର୍ସିବୁଲ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ମେସିନ୍, ରିଅଲ୍ ମେସିନ୍, ଯାହାର ଏଫିସିଏନ୍ସି 100%, ତାକୁ ହେଉଛି ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ମେସିନ୍, ଯାହାର 50% ସେଇଟା ହେଉଛି ରିଅଲ୍ ମେସିନ୍, ତାକୁ ରିଭର୍ସିବୁଲ୍ ରିଭର୍ସିବୁଲ୍ ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଲ ଅଫ୍ ମେସିନ୍। ଲ ଅଫ୍ ମେସିନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଦ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଇଫୋର୍ଟ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋଡ଼୍ ଲିଫ୍ଟେଡ୍, ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଲ ଅଫ୍ ମେସିନ୍। ଯେଉଁ ଆମେ ଇଫୋର୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ ସେଇଟା, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋଡ଼୍ ଲିଫ୍ଟ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଲ ଅଫ୍ ମେସିନ୍। ମନେକୁ ଗୋଟାଏ ମେସିନ୍ର ଲ ଅଫ୍ ମେସିନ୍ ଅଲ୍ୱେଜ୍ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଲ ଅଫ୍ ମେସିନ୍। ତ ଲ ଅଫ୍ ମେସିନ୍କି ଆମେ ନେଉଛେ କ'ଣ ସିମ୍ବଲ୍ କେନ୍ ନା, ପି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏନ୍ ଡବ୍ଲୁ ପ୍ଲସ୍ ସି। ତ ଏଇଠି ତୁମକୁ ମାନେ ଏଇଟା ପି ଆଉ ଡବ୍ଲୁ ଟର୍ମରେ ଲ ଅଫ୍ ମେସିନ୍ଟା ବାହାରିବ, ପି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସମଥିଙ୍ଗ ଡବ୍ଲୁ ପ୍ଲସ୍ ସମଥିଙ୍ଗ, ଏଥିପାଇଁ ଭାବେ ପି କହିଲେ ଇଫୋର୍ଟ ଆପ୍ଲାଏଡ୍, ଡବ୍ଲୁ କହିଲେ ଆମେ ଆଣୁଛୁ ଲୋ ଲିମିଟେଡ୍, ଏମ୍ କହିଲେ କ'ଣଟା ନା ସ୍ଲୋପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇନ୍। ଏଇଠି ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟାଏ ଲାଇନ୍, ଇଏ ଗୋଟାଏ ଲାଇନ୍, ଏ ଲାଇନ୍ର ସ୍ଲୋପ୍ଟା କହୁଛି ଏମ୍, ବୁଝିପାରୁଛୁ। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ଲ ଅଫ୍ ମେସିନ୍ ରିଅଲ୍ ମେସିନ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ମେସିନ୍। ତ ଏଇଠି ରିଅଲ୍ ମେସିନ୍ର ଦେଖ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି ସି, ସି କହିଲେ ଆମର କ'ଣ ନେଉଛି ନା କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ କହୁଛି ଫିକ୍ସନାଲ୍ ଇଫୋର୍ଟ ତାକୁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ସି କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିକ୍ସନାଲ୍ ଇଫୋର୍ଟ, ସେଇଟା ଏଠି କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ସିର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ପି ମାଇନସ୍ ଡବ୍ଲୁ ପି। ତାହେଲେ ଲ ଅଫ୍ ମେସିନ୍ କହିଲେ ପି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଡବ୍ଲୁ ପ୍ଲସ୍ ସି, ତମକୁ ଏଇଠି ପି ଆଉ ଡବ୍ଲୁ ଟର୍ମରେ ଏଇଠି ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏମ୍ ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏମ୍ ଏ ବେଳେବେଳେ ତୁମକୁ ପଚାରେ ତାର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ପକେଇବ ନା, ୱାନ୍ ବାଇ ଏ, ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ପଚାରିଲେ ପକେଇବେ ୱାନ୍ ବାଇ ଏମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ବି। ତ ଏତିକି ହେଉଛି ଆର୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ଏଇ ଲ ଅଫ୍ ମେସିନ୍ ଏଇ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଗୋଟାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ପଲସରି 10 marks ଆସିବ, ତ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା ଦେଖିବା। ଏତିକି ରହିଲା ଲ ଅଫ୍ ମେସିନ୍। ତାହେଲେ ଏବେ ଆର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଏତିକି ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଦେଖ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଲା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍, ଏଇଟା ଆସିଛି 2019 ପାର୍ଟିକ ଲିଫ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ଡେଫିନେସନ୍ଟା ଲେଖିବ, ଦ ମେସିନ୍ ହୁଇଚ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଲିଫ୍ଟ ହେଭି ଲୋଡ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ମଲ୍ ଲିଫ୍ଟ, ଦେନ୍ ଡିଫାଇନ୍ ମେକାନିକାଲ୍ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ବେଲୋ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖିବ। ତା'ପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଲା, ଇନ୍ ଏ ଲିଫ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ଉଇଥ୍ ଭେଲୋ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଉଇଥ୍ 60, ଭେଲୋ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଲା 60, ଇଫୋର୍ଟ ଅଫ୍ 120 newton ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ଲିଫ୍ଟ ଏ ଲୋଡ୍ ଅଫ୍ 6 kN, ଇଫୋର୍ଟ ଦେଲା 120 newton, ଲୋଡ୍ ହେଲା 6 kN, ଏଇ 6 kN ଆମେ ନ୍ୟୁଟନ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିବା, ଏଠି ଭେଲୋ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଇଛି। ଇଜ୍ ଦ ମେସିନ୍ ରିଭର୍ସିବୁଲ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଚାରିବା ମେସିନ୍ଟା ରିଭର୍ସିବୁଲ୍ କି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଦେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ନା, ଭେଲୋ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରେସିଓ ଦେଇଛି 60, ଇଫୋର୍ଟ ଦେଇଛି 120 newton, ଏଇଟା ଯେଉଁ କିଲୋମିଟର୍ରେ ଦେଇଛି ଲୋଡ୍ ତାକୁ ନ୍ୟୁଟନ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଚାରିଲେ ଇଜ୍ ଦ ମେସିନ୍ ରିଭର୍ସିବୁଲ୍, ମେସିନ୍ ରିଭର୍ସିବୁଲ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କେମିତି ଜାଣିବା ନା ତାର ଏଫିସିଏନ୍ସି ବାହାର କରିବା, ଯଦି ଏଫିସିଏନ୍ସି ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ 50% ହେଲା ରିଭର୍ସିବୁଲ୍, ଅଦରୱାଇଜ୍ ନୁହଁ। ତା'ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା, ଇଫ୍ ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଫୋର୍ଟ ସୁଡ୍ ବି ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ମେସିନ୍ ଆଟ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଭର୍ସିବୁଲ୍, ତା'ପରେ ପଚାରିଲା ଯେ କେତେ ଇଫୋର୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ମେସିନ୍ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଭର୍ସିଂରେ ରହିବ, ତୁମକୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଭର୍ସିଂ ରହିବାକୁ ହେଲେ ତୁମର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 50%, ଆଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଫୋର୍ଟ ସୁଡ୍ ବି ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ମେସିନ୍ ଆଟ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଭର୍ସିଂ, ମେସିନ୍ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଭର୍ସିଂରେ ରହିବ, ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଭର୍ସିଂ ପାଇଁ ଏଫିସିଏନ୍ସି 50%। ତାହେଲେ ଏଠି ଇଫୋର୍ଟ ପଚାରିଲା ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିଟ୍ରେ ପଚାରୁଛି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ରିଭର୍ସ ହେବ କି ନାହିଁ, ଏଫିସିଏନ୍ସି ବାହାର କରି ଚେକ୍ କରିବା, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖ ସଲ୍ଭ କରିବା। ତ ଦେଇଦେଲା ତୁମକୁ ଏଇଠି
ভেলোসিটি রেশিও 60 ইফোর্ট দিয়ে দিলা পি 120 লোড দিয়ে দিলা 6 কিলো নিউটন এটাকে নিউটনে কনভার্ট করতে হবে তো দেখিয়া তাহলে এটি ডাটা গিভেন দিয়ে কোন কোন দিছনা ভেলোসিটি রেশিও ভিআর 60 ইফোর্ট পি কত দিয়ে দিলা 120 নিউটন লোড কত দিয়ে দিলা 6 কিলো নিউটন দিয়ে দিছা তো নিউটনে কনভার্ট 6000 নিউটন তারপরে তোমাকে এফিসিয়েন্সি ভাগ কি আছে এফিসিয়েন্সি ফর্মুলা এমএ বাই ডিআর এমএ জায়গা পড়িলা ডব্লিউ বাই পি ভিআর কো ভিআর রহিলা দেখো ডব্লিউ জায়গা রে 6000 পকে দিলে মোর आंसर বাহলা परसेंटेज कन्वर्ट करले 83% देखो एटा 50% बड आछ जेरा 50% एफिशिएंसी बड आछ त एटा रिवर्स होनेसे आ द एफिशिएंसी मोर देन 50% मेसिन रिवर्स मेसिन दा रिवर्स होने सम नेक्स्ट तापर पचार छ एटा पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग पई इफोर्ट के देखो पी मुन हेली कोन ना इफोर्ट अक्रा एट द पॉइंट ऑफ रिवर्स माने पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग पई इफोर्ट केते दरकार न ताको मु पी ने तो पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग पई एफिशिएंसी 50% तो हम पके देली एम तो हम के पी भाग के छ और सब सेम पूर्व डाटा अनुसार माने डब्ल्यू सेम वी आर सेम ओनली पी नहीं कैलकुलेशन करया छ तो एम ए बाय वी आर पके देली एफिशिएंसी एम ए जगह रे डब्ल्यू बाय पी पके देली वी आर जगह रे वी आर रहला डब्ल्यू जगह रे 6000 सब सेम पूर्व के छ पी जगह पी रहला वी आर जगह पके देली सॉल्व कर दो तो रहला पी 20 बस इतनी तुम के टी डेटा बिट फाइव क्वेश्चन है गोटाई क्वेश्चन में देखो मशीन रिवर्सिबल कि नहीं एफिशिएंसी बात कर चेक कर दो सेकंड मीटर बता देता तुमरो पी के थे मिल गया सरला नेक्स्ट होते डी नंबर क्वेश्चन दिया इन्हें वेट लिफ्टिंग मशीन आने इक्वल टू 50 न्यूटन के इक्वल टू लिफ्ट पे लोड अप कर लोड दे दिया अपने इक्वल टी दे दीजिए 50 डिस्टेंस मोड बाय लोड एंड इक्वल टा रहती गई थी मतलब डिस्टेंस मोड बाय लोड दिला 20 एमएम डिस्टेंस मोड बाय इक्वल दिला 500 एमएम डिस्टेंस मोड बाय लोड दिला 20 एमएम डिस्टेंस मोड बाय इक्वल दिला 500 एमएम डिस्टेंस मोड बाय लोड माने एक्स दिला 20 एमएम डिस्टेंस मोड बाय इक्वल माने वाई दिला 500 एमएम डिटरमिनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लोड डब्ल्यू डब्ल्यू पचाना एफिशिएंस ऑफ द मशीन इज 80% एफिशिएंस दे छी 80% 70 ने पड़ला तो तुमको इफोर्ट दे छी पी दे छी आ डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड दे छी माने एक्स केला 20 एमएम आ वाई केला 500 एमएम एफिशिएंस देला 80% सॉल्व कर बाहर करिया पचाला लोड डब्ल्यू बाहर कर देखो एकी डाटा गिवन रे पी दे छी लोड पचार छी डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट वाई केला एति छी एक्स केला एति छी एफिशिएंस दे छी पचरा के डब्ल्यू बाहर कर तो आम जान एफिशिएंसी इक्वल टू एम ए बाय वी आर एफिशिएंसी इक्वल टू पड़गला एम ए बाय वी आर ये पड़गला एम ए बाय वी आर नेक्स्ट देख एम ए जगह पक डब्ल्यू बाय पी वी आर जगह वाई बाय एक्स तुमको ये सब जना एफिशिएंसी जना पी जना वाई जना बस पकईदेला मोर ये सल्व कर डब्ल्यू बाय 1000 ये तो यहाँ हूँ 5 मार्क्स क्वेश्चन तो यह भाया सल्व कर तुम सब देखा कि एफिशिएंसी फॉर्मूला पकड़ मिल गया फाइव मार्क्स क्वेश्चन आस एफिशिएंसी इक्वल टू एमए बाय वीआर प्रूफ कर नेक्स्ट आउट एक क्वेश्चन आस लॉ ऑफ मशीन देखो इन ए शॉर्ट टर्म वेट लिफ्टिंग मशीन एंड इनपुट ऑफ 15 न्यूटन कैन लिफ्ट ए लोड ऑफ 300 न्यूटन देखो कि इनपुट देला प्रथमे 15 न्यूटन लोड कितने देला 300 न्यूटन एंड एन इनपुट ऑफ 20 न्यूटन कैन लिफ्ट ए लोड ऑफ 500 न्यूटन प्रथमे देला इनपुट देला 15 न्यूटन लोड देला 300 न्यूटन तापर इनपुट देला 20 न्यूटन लोड देला 500 न्यूटन फाइंड द लॉ ऑफ मशीन एटा फर्स्ट वीक फाइंड द लॉ ऑफ मशीन दीटा इनपुट रिपीट करते गोटा देखिए 15 न्यूटन इनपुट और देखिए 20 न्यूटन इनपुट लोड भी दीटा देगा 300 न्यूटन 500 न्यूटन लॉ ऑफ मशीन को चाहिए फास्ट एंड फाइंड द इनपुट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट लोड ऑफ 88 न्यूटन तापर इनपुट पचला पी पचला लोड से तोड़ के कितना 88 न्यूटन दीटा भी दिए क्वेश्चन का फास्ट मीटर लॉ ऑफ मशीन काढ़ी रखी लॉ ऑफ मशीन काढ़ना पर फाइंड द इनपुट इनपुट पी पचला से इतने पकेले ही मिल जाओ तो लेकिन देखो दीटा इनपुट दे थी फास्ट दे थी इनपुट 15 न्यूटन लोड दे थी 300 न्यूटन देखो इनपुट ऑफ 15 न्यूटन लिफ्ट से लोड ऑफ 300 न्यूटन तो पी1 इनपुट का पी नो छे तो एटा मने गेले पी1 इक्वल टू 15 न्यूटन और डब्ल्यू1 ने गेले 300 न्यूटन पी1 डब्ल्यू1 तापर इनपुट ऑफ 20 न्यूटन लिफ्ट से लोड ऑफ 500 न्यूटन इनपुट को तापर ए जो सेकंड इनपुट ने पी2 सेकंड लोड को ने डब्ल्यू2 पी2 डब्ल्यू2 ठीक है तो आमे जानते हम लॉ ऑफ मशीन को चाहिए लॉ ऑफ मशीन इक्वल टू माने कौन टा हमर होतना पी इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी एथि रहत तो एठी हमको ए नो सी काढे रहछ एमसी काढे रहछ केमि ते एमसी काढिया ना हमें पी1 इक्वल टू अ गोटा मशीन को लॉ ऑफ मशीन को तो प्रथम हम पके दा पी1 इक्वल टू एम डब्ल्यू1 प्लस सी तब पी2 इक्वल टू एम डब्ल्यू2 प्लस सी तब पी1 पी डब्ल्यू1 पी2 डब्ल्यू2 जणा आछि ओके दे ले फुट पर दला हमको डेटा इक्वेशन देखो मिल गेला पी1 दे 15 पी2 दे 300 ओके दे डेटा इक्वेशन मिल गेला हमको एठी एम और सी दरकार है बस डेटा एमसी काढे रहछ डेटा इक्वेशन मिलला
এই ইকুয়েশন দিটাকে সলভ করছ আমি সাবস্ট্রাক্ট করে দিচ্ছি সাবস্ট্রাক্ট করে দেবে সলভিং ইকুয়েশন মানকে সাবস্ট্রাক্ট করে দেবে 1520 মাইনাস 5 ইয়ে হলো মাইনাস 200 এম সিসি কটি যাব তারপর সলভ করলে তো এম মিলল 0.025 তো এবে মু কম করে না এই এম কো নিয়ে কি ইকুয়েশন 1 এ পুট করি ইকুয়েশন 1 মিন্স এটা এই ইকুয়েশন 1 এ পুট করি তাই এম কো নিয়ে ইকুয়েশন 1 এ পুট করি তো মতে এই এম মিলল গেল ইকুয়েশন 1 হচ্ছে 15 ইকুয়াল টু 300 এম প্লাস एम जगह वैल्यू को गई सी भी मिलेगा 7.5 और सी का यूनिट होते न्यूटन और घूम के छाड़ देते न्यूटन तो लेकिन तुमको को मिल गया सी मिल गया एक ही एम मिल गया तो लॉ ऑफ मेसन हमें कौन जानते पी इक्वल टू एम लोग प्लस एम और सी का वैल्यू पुट करें एम जगह 0.025 जहाँ मार्क्स ला पुट कर दी सी जगह 7.5 पुट कर दी लॉ ऑफ मेसन मिल गया तो ये रहे तो यहाँ हम लॉ ऑफ मेसन मिलेगा सेकेंड रिट तरह पचार इफोर्ट रिक्वर्ड फाइन द इफोर्ट रिक्वर्ड टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 880 न्यूटन मैंने इफोर्ट पी पचार तो ये लॉ ऑफ मिसिंग का पूर्ण कर दो p इक्वल टू इतनी हम जानते हैं w फाइंड द इफोर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 880 न्यूटन तो इफोर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 880 न्यूटन मैंने w जगह 880 w जगह में 880 पुट कर दी w जगह 880 पुट कर दी ये बाहर इफोर्ट बाहर है तो ये एक क्वेश्चन कंपल्सरी हम लोग 10 मार्क्स आते बस लॉ ऑफ मिसिंग ना तो एटा और 10 मार्क्स पड़ती एटा भी उठे पड़ती इट इज इन ए लिफ्टिंग मशीन इट इज अफ्टर दैट ए 120 न्यूटन इनपुट रेजिस अ लोड ऑफ एथिक एंड 200 न्यूटन रिक्वायर्ड टू लोड ऑफ एथिक डिटरमाइन लॉ ऑफ मशीन का चार्ज इट इज सेम थिंग सो पूरा एका बड़ा एंड इनपुट रिक्वायर्ड टू रेज अ लोड ऑफ एथिक सेम थिंग सो पूरा अच्छा अब तैयार ये पड़ी थी तो इठी देखो p1 w1 p2 w2 दे छी सॉल्व करी पाए तो इतनी टोटल हो तमरो तो ये क्वेश्चन सॉल्व करियो थैंक यू